इससे पहले 1 से 15 तक के प्रभागों की जानकारी हमने पिछले एपिसोड में दी थी, अब 16 से लेकर 33 तक प्रभागों की जानकारी इस एपिसोड में हम आपको दे रहे हैं। वैसे चुनाव अधिकारी द्वारा गोपनीयता भंग के लिए अमरावती की आमदार सुलभाताई खोड़के ने चुनाव आयोग से शिकायत की। वहीं बडनेरा के आमदार रवि राणा अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आज मनपा आयुक्त से मिले और प्रभाग रचना में हुई गड़बड़ियों को ध्यान में लाया और साथ में शिकायत दर्ज कर दी। बात गोपनीयता भंग करने की यदि है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है यह तय करना अब मुश्किल हो गया। मनपा गलियारे में चर्चा है कि यह प्रभाग रचना सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग के समक्ष पेश कर दी गई थी। अब गोपनीयता महानगर पालिका से भंग हुई है या चुनाव आयोग से, यह जांच का विषय हो गया है। पर गोपनीयता भंग हुई है यह तय है, क्योंकि प्रकाशित सूची को किसी भी अधिकारी ने गलत नहीं कहा बल्कि सबने चुप्पी साध ली है। आइए जो प्रभाग रचना लीक हुई है उसकी जानकारी के बारे में बात करें। प्रभाग क्रमांक 16 रतनगंज प्रभाग है। यह रतनगंज परिसर, बशराज प्लॉट, मोरबाग, चौधरी चौक, इतवारा बाजार, पटवा चौक, मसानगंज, गौलीपुरा, हाथीपुरा, अशोक बसेरिया का मकान, उसका परिसर का एरिया, नागोबा मंदिर एरिया, रामविलास होटल परिसर, चित्रा टाकिज, फुटाना लाइन, वेंकटेश मंदिर परिसर। प्रभाग क्रमांक 17 विलासनगर, विलासनगर परिसर, मोसीकाल परिसर, जय सियाराम नगर, मांडवा झोपड़ी, पांडरी हनुमान मंदिर, महेंद्र कॉलोनी, खरैया नगर, शोभा नगर का आधा भाग, जयसवाल देशी दारू के सामने का परिसर। प्रभाग क्रमांक 18 छाया नगर परिसर, नागपुर गेट चौक, नागपुर गेट पुलिस स्टेशन का पीछे का भाग, छाया नगर, पठान चौक। 19 नंबर दिया गया है ताजनगर को, ताजनगर परिसर, छाया नगर का कुछ भाग, उर्दू एसोसिएशन स्कूल, मुजफ्फरपुरा, गौस नगर, चार खंबा परिसर। 20 नंबर पर है रहमत नगर, इसमें एरिया आता है रहमत नगर परिसर, रोशन नगर, ईदगाह परिसर, बाबा चौक परिसर, मद्रासी बाबा दरगाह एरिया, परदेसीपुरा, मल शुद्धिकरण केंद्र, ताज नगर का आधा भाग। रहमत नगर से आगे प्रभाग क्रमांक 21 गढ़गड़ेश्वर एरिया, हनुमान नगर, आनंद नगर का आधा भाग, आमलेवाड़ी, केवलेवाड़ी, कांडलकर प्लॉट, गांधी आश्रम, शिक्षक कॉलोनी, वल्लभ नगर, अम्बा विहार, महालक्ष्मी कॉलोनी, विठ्ठल मंदिर परिसर, भातकुली रोड एरिया। 22 नंबर शहर का केंद्र जवाहर गेट प्रभाग में जो एरिया दिया गया है, जवाहर गेट परिसर, नालसापुरा, बोहरा गली, भाजी बाजार, सराफा, सक्कर सात, रंगारी गली, साबनपुरा, भोला हलवाई के पीछे का भाग, जूनी कोतवाली, सात किराड़ी परिसर, शनि मंदिर, तांगा पड़ाव, खोलापुरी गेट परिसर। प्रभाग क्रमांक 23 बुधवारा, इस बुधवारा प्रभाग में मात्र 2 सीटें हैं और जवाहर गेट में 3, ये 5 सीटें मिलाकर पिछली बार 4 सीटें थी, अब यहाँ पर 5 सीटें कर दी गई जिसमें बुधवारा में 2 है। बुधवारा एरिया में जो आ रहा, बुधवारा परिसर, अम्बा गेट, पटवीपुरा, एकवीरा देवी मंदिर, माता खिड़की, दही सात और मनपा का दवाखा। बुधवारा के आगे प्रभाग क्रमांक 24 गणेश कॉलोनी परिसर, कोल्हटकर कॉलोनी, HVPM, देशपांडे नगर, गोरक्षण, नाथवाड़ी, माधव नगर, न्यू गणेश कॉलोनी, दुर्गा विहार, मारुति नगर, रवि नगर, छाया कॉलोनी हो सकती है, आनंद नगर का 20% भाग, देसाई लेआउट, औरंगपुरा, जोड़ मोड़। प्रभाग क्रमांक 25 राजापेट, रेलवे के उस पार का परिसर, राजापेट परिसर, गोविंद नगर, केडिया नगर, स्टेट बैंक कॉलोनी, सुशील नगर, योगक्षेम कॉलोनी, एकनाथपुरम, शंकर नगर, सूरज नगर, संताजी नगर, लक्ष्मी नारायण नगर, सत्य कृपा कॉलोनी, पटवारी कॉलोनी, एकवीरा कॉलोनी, कवर नगर, नाशिककर प्लॉट, वैभव नगर, सियाराम नगर, शुभम कॉलोनी, प्रेम विहार, शिव इंग्लिश स्कूल, बापू कॉलोनी, जयराम नगर, टॉपर हॉस्टल के पास का परिसर। यह वह प्रभाग है जहां अमरावती के खासदार और बडनेरा के आमदार रवि राणा रहते हैं। प्रभाग क्रमांक 26 अंबिका नगर, प्रभाग में अंबिका नगर परिसर, कल्याण नगर का सामने का भाग, खत्री लेआउट, बौद्ध विहार, डहाने नगर, भगवान नगर, कमल कॉलोनी, जलाराम नगर, पूजा कॉलोनी, किरण नगर, आयुर्वेदिक विद्यालय,
सिंधु नगर स्टेट बैंक कॉलोनी मोतीबाग मोती नगर के पीछे का भाग प्रसाद कॉलोनी नरसिम्हा कॉलेज दस्तूर नगर चिमोटे लेआउट देशपांडे प्लॉट द्वारका नगर और धन्वंतरी नगर। प्रभाग क्रमांक 27 बेनोड़ा, इसमें के अंतर्गत आता है बेनोड़ा गांव ठान संजय गांधी नगर नंबर 2 यशोदा नगर नंबर 2 उत्तम नगर पंचशील नगर का भाग गवई कॉलेज अमर कॉलोनी चैतन्य कॉलोनी प्रभु कॉलोनी वनश्री कॉलोनी मधुवन कॉलोनी महादेव खोरी प्रोफेसर कॉलोनी मंगलधाम गौरक्षण टेकड़ी भोते लेआउट और शांति नगर। प्रभाग क्रमांक 28 जेवर नगर, जेवर नगर गांवठान मेहर बाबा कॉलोनी जयंत कॉलोनी भारतीय कॉलोनी सैनिक नगर पोस्टमैन कॉलोनी गणेश नगर सामरा नगर विदर प्रीमियर सोसाइटी छत्री तलाव एरिया सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल गोदावरी कॉलोनी राज हिल लेआउट एमआर कॉलोनी अभियंता कॉलोनी नंदनवन सोसाइटी सरोज नगर चौरे नगर चक्रधर नगर। प्रभाग क्रमांक 29 गोपाल नगर, गोपाल नगर परिसर भटवाड़ी मालू लेआउट देशपांडे प्लॉट विजयनगर पवन नगर गोपाल नगर स्वावलंबी नगर मराठा कॉलोनी माया नगर कुंभारवाड़ा नवदुर्गा नगर दत्त मंदिर परिसर सूत गिरणी परिसर जूनी बस्ती बडनेरा का कई भाग इस गोपाल नगर में शामिल है। हालांकि बडनेरा वासियों ने मनपा आयुक्त के पास यह शिकायत की है कि उनके प्रभाग में पहले 8 नगर सेवक हुआ करते थे, अब 2 प्रभाग में बांटकर 6 नगर सेवक तक सीमित कर दिया। प्रभाग क्रमांक 30 सातुर्णा, सातुर्णा परिसर साई नगर साई मंदिर वृंदावन कॉलोनी गणपति कॉलोनी सिद्धि विनायक कॉलोनी महेश नगर गजानन महाराज मंदिर परिसर पीके कॉलोनी माडा क्रांति कॉलोनी पार्वती नगर प्रभु कॉलोनी यादव लेआउट सातुर्णा स्वस्तिक नगर कृष्णार्पण कॉलोनी सावरकर लेआउट जया कॉलोनी टीटी नगर स्वाभिमान नगर नया अकोली रेलवे स्टेशन परिसर सातुर्णा वसाहत। यह प्रभाग महापौर चेतन गावंडे के एरिया में आता है। प्रभाग क्रमांक 31 आकोली, इसमें आकोली परिसर अमरावती बडनेरा रोड परिसर बेनाम चौक भिवापुरकर नगर वालमार्ट मोहनी होटल नेमानी गोडाउन परिचर कॉलोनी शशिनगर साई लॉन चमन नगर गोड़बोले लेआउट अनवर प्लॉट अलमास नगर कस्तूरबा गार्डन पाँच बंगला राठी लेआउट फुकट नगर कातरे मामा टाउनशिप कमली बाबा ग्राउंड एरिया। पहला यह बडनेरा जूनी बस्ती के नाम से चमन नगर के नाम से जाना जाता था, अब यह आकोली में शामिल हो गया। हालांकि बडनेरा का काफी भाग इस प्रभाग में है। सिर्फ बडनेरा में जूनी बस्ती और नवी बस्ती 2 प्रभाग डाले जहां पर 6 नगर सेवक है, लेकिन एरिया और भी है जहां से और भी नगर सेवक चुनकर जाएंगे। प्रभाग क्रमांक 32 जूनी बस्ती बडनेरा इस्लामिक चौक परिसर सजना जी महाराज मंदिर परिसर माता फैल जोगलेकर लॉन रमाबाई अंबेडकर नगर बारीपुरा चौक परिसर राहुल नगर इंदिरा नगर उसरेटे लेआउट खटिकपुरा सावता मैदान नीमकरवाड़ी गांधी विद्यालय परिसर। और अंतिम प्रभाग नवी बस्ती, नई बस्ती एरिया यवतमाल रोड परिसर झाड़ी फैल नागपुरी पट्टी सिंधी कैंप जनक रेसिडेंसी मोदी हॉस्पिटल परिसर मिलचाल लड्ढा प्लॉट झीरी मंदिर शिवाजी फैल पवन नगर इंदिरा नगर सोमवार बाजार जय हिंद चौक सर्किट हाउस के आजू बाजू का एरिया होली क्रॉस कॉन्वेंट नवी बस्ती यानी रेलवे स्टेशन का उस पार का रेलवे का उस पार का भाग। ये थी 33 प्रभागों की रचना जिसमें हमने 1 से 15 भाग एक में है और 16 से 33 दूसरे भाग में है। 98 सीटों पर टोटल चुनाव लड़ा जाएगा जिसमें से 49 पुरुष और 49 महिला रहेगी। यानी हर प्रभाग में किसी प्रभाग में 1 महिला 2 पुरुष तो किसी प्रभाग में 1 पुरुष और 2 महिलाएं। अभी यह लिस्ट अधिकृत रूप से प्रसारित होने की है। अधिकृत रूप से प्रकाशित होने के बाद आपत्तियां बुलाई जाएंगी, उसमें कुछ सुधार किया जाएगा और फाइनल लिस्ट फिर प्रकाशित होगी। उसके बाद में एरिया के हिसाब से वोटर लिस्ट में से पन्ने फाड़े जाएंगे और प्रभाग की वोटर लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद आने वाले एपिसोड में इन सारे प्रभागों में कौन कौन नगर सेवक कहाँ से प्रभावित होंगे वर्तमान नगर सेवक, यह हम आपको अगले एपिसोड में सारी जानकारी लेकर आएंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज, सिटी न्यूज टीवी के अलावा आप यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी देख सकते हैं। नीचे लिंक दी गई है,
चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले न्यूज आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।